हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर फाइन सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने मैप फंक्शन के बारे में पढ़ा था और समझा था कि लिस्ट किस तरह से रेंडर होती है बट जब भी हम लिस्ट को रेंडर करवा रहे हैं हमें कंसोल में एक वार्निंग मिल रही है सो so अब आप कंसोल ओपन कीजिए और हम देखेंगे कि वो वार्निंग क्या है सो so ये वार्निंग है इच्स चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप सो आज हम समझेंगे कि की क्या होता है और हम इस वार्निंग को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं सो यू कैन सी हियर की हेल्प्स रिएक्ट आइडेंटिफाई आइटम्स हैव चेंज्ड आर आर एडेड और रिमूव्ड की शुड बी गिवन टू द एलिमेंट्स इनसाइड द साइड टू गिव द एलिमेंट्स स्टेबल आइडेंटिटी मीन्स की आइडेंटिफाई करता है और रिएक्ट को बताता है कि लिस्ट में क्या ऐड हुआ है क्या रिमूव हुआ है और क्या चीज चेंज करना है तो कि एक एट्रीब्यूट की तरह ही होता है हम कोई भी एस एलिमेंट क्रिएट करते हैं उसमें हम एट्रीब्यूट पास करते हैं और उसी वे में हम की भी पास करेंगे बट वो यूनिक होनी चाहिए मीन्स हमारी लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट के पास यूनिक की होती है और वो की रिपीट नहीं हो सकती सो so, अब हम प्रैक्टिकली की समझेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सो की ऐड करने के लिए वी हैव एट्रीब्यूट नेम्ड की और उसके अंदर हमें एक वैल्यू देनी होती है तो मैं यहाँ की पास करूँगी और उसके अंदर वैल्यू दूंगी डेटा तो अब आप देख सकते हैं हमारी एरर जो है वो जा चुकी होगी लेकिन आप सपोज करिए कि इस लिस्ट में मैं सेम नेम का एक और एलिमेंट पास कर दूंगी तो क्या होगा तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे फिर से एक एरर मिल चुका है सेम नेम का डुप्लीकेट की एरर सो आप देख सकते हैं हमें यहाँ आउटपुट तो मिल चुका है रिएक्ट रिएक्ट बट यहाँ पर एरर शो हो रहा है सो फॉर दिस एरर अब मैं एक इंडेक्स पास कर दूंगी और मैं इस की के अंदर इस इंडेक्स को कॉल कर दूंगी सो नाउ यू कैन सी हमारी एरर रिमूव हो चुकी है क्योंकि हमारी इंडेक्स की वैल्यू यूनिक होती है सो so, अब हम इंडेक्स को भी एच वन में शो करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए तो so, मैं यहां पास करूंगी इंडेक्स वैल्यू इज कॉलन इंडेक्स सो नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रिएक्ट इज वन एंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड रिएक्ट इज थ्री सो so, इसी तरह से रिएक्ट में की के थ्रू एलिमेंट की पहचान होती है और हमें कुछ भी अपडेट करना हो या रिमूव करना हो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं सो गाइज रिमेंबर कल हमारे पास एक एग्जाम्पल था और हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी इम्प्लॉयी नाम की सो so, यहाँ लिस्ट में हमारे पास एक यूनिक वैल्यू थी दैट इज आई और इसी आई को हम एज अ की यूज़ कर रहे थे सो so गाइस जब भी हमारी लिस्ट में इस तरह की यूनिक वैल्यू प्रेजेंट होती है तब हमें इंडेक्स को एज अ की यूज करने की जरूरत नहीं होती है सो गाइस इन अवर लास्ट वीडियो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में एक मिस्टेक कर दी थी मैंने अरे में बाई मिस्टेक कुछ इस तरह से एलिमेंट्स पास कर दिए थे सो so, ये सही वे नहीं है मुझे कुछ इस तरह से एलिमेंट्स पास करने थे सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज मुझे लगा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा इसीलिए मैंने इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर दिया है और डोंट वेरी मैं उसके कैप्शन में भी ये मैंशन कर दूंगी सो so गाइस आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको की क्या है समझ आ गया होगा की का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब